नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी का फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे जो फर्स्ट लेसन है हिस्ट्री का वो चला हुआ है, उसको स्टार्ट करेंगे। अब तक शायद 6 या 7 वीडियो आ चुकी हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर। इसकी जो छोटी से छोटी जो टर्मिनोलॉजी है उसको मैंने समझाया है, हर एक छोटी से छोटी जो बात बताई है वो जो ज़रूरी है एक पेपर की दृष्टि से वो सब कुछ मैंने बताया है। तब यहाँ पर एक नई चीज आती है कि जो दास प्रथा है उसका अनुमल होता है, कब होता है, कैसे होता है। जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे में दास प्रथा का अनुमल जैकबिन जो शासन था जो 1793 में रहा के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारकों में से एक था कैरेबियाई जो उपनिवेश थे मार्टिनिक है, गोडेलोप है, सेंट डोमिंगो है, वहां पर क्या है तम्बाकू, नील, चीनी, कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे जो ये द्वीप दिए गए हैं। ये इन चीजों के आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित और दूर देश जाने वाले और काम करने वाले प्रति यूरोपीय की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को जैसे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच, जैसे हम ऐसे मान लें इधर अमेरिका है, इधर ये जो अफ्रीका है या इधर यूरोप है, तो ये जो एक त्रिकोण जो बनता है अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो त्रिकोण बनता है, उस की बात, अफ्रीका अमेरिका के बीच जो त्रिकोणीय जो दास व्यापार है उसकी बात की गई है। पूछ लिया जाता है कि जो त्रिकोणीय दास व्यापार है उसमें कौन कौन आता है, को पूरा किया जाता। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जो दासों का व्यापार था 17वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। फ्रांसीसी जो सौदागर थे बोर्डे था नांते जो बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते, जहाँ पर स्थानीय सरदारों से दास खरीदते। जैसे बोलियां लगती थी लोगों की, ऐसे ही जैसे चीजों की बोलियां लगती हैं दासों की लगती थी। दासों को दाग कर हथकड़ियां पहनाकर अटलांटिक महासागर के पास कैरेबियाई देशों में 3 माह तक की लंबी समुद्री यात्रा की थी। मतलब उनको बांध कर ऐसे जहाजों में लपेट के फेंक दिया जाता था और ऐसे ठूस ठूस कर भर दिया जाता था कि जैसे वो कोई सामान है। वहां उन्हें बागान मालिक थे उनको बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजार में चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती मांग को पूरा किया जाना संभव था। मतलब वो उनकी मांग को पूरा करने के लिए उन दासों का सहारा लिया जा रहा था। बॉर्डर नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गई थी। फिर जो 18वीं सदी है में जो जैसे फ्रांस में जो दास प्रथा की है ना, ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली ने लंबी बहस तक व्यक्ति के मूलभूत अधिकार, उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित जो समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए थे कि जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं हुआ। मतलब और सभी तरह की बातें अंदर देश में चल रही थी परंतु जो दासों के लिए कोई कानून पारित नहीं हुआ। लेकिन अंत तक क्या होता है, 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश के सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। मतलब ये कानून जो था जो 1794 में हुआ थोड़ी सी अवधि के लिए लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः स्टार्ट कर दिया। मतलब 1804 में नेपोलियन ने दास प्रथा को फिर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नेपोलियन एक राजा है और राजा को अपने जैसे अपने हितों के लिए ही सारा काम करेगा। बागान मालिका को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी जो निग्रो लोग थे उनको गुलाम बना दिया जाता था और अपने अपने उपनिवेशों में भेज दिया जाता था। फिर बताया कि क्रांति और रोजाना की जो जिंदगी थी उसमें, जब वहां पर जैसे क्रांति चल रही थी तो वहां पर जब रोजाना की जिंदगी है वो कैसे चल रही थी उसके बारे में बताया है कि क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल और उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। सन 1779 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुष, महिलाएं और बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए जो राजनीतिक सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्टिल के विध्वंस के
बाद सन 1779 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप की समाप्ति कर दी गई। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित जो सामग्री थी, जैसे क्या था, जो लिखने पर है प्रतिबंध है, वो हटा दिए गए। राजनीतिक जो गतिविधियां थी, किताब नाटक है, अखबार है, वो राजा के सेंसर अधिकारों सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही, जैसे पहले क्या होता था, जब राजा उनको पास कर देगा तो ही वो छपते थे, अन्यथा वो छपते नहीं थे। परंतु यहाँ पर सेंसरशिप की जो है समाप्ति कर दी गई। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकारों में घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चे, पुस्तक, छपी हुई पुस्तकों के बाढ़ सी आ गई, जहाँ पर तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। मतलब जब सेंसरशिप की समाप्ति ही कर दी गई तो वहाँ पर जैसे बहुत सारे लिखने वाले लोग होते थे तो वो उनकी बाढ़ सी आ गई। तो फिर मतलब वहाँ के जो दैनिक जीवन है उन पे ही बात की गई है कि स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सके। तो वहाँ पर जो जीवन था वो कैसा हो गया था उसके बारे में ही यहाँ पर बताया है। सारांश में इसमें ये बताया है कि जो नेपोलियन है 1804 में खुद को एक फ्रांस का सम्राट घोषित कर लेता है, तो वो बहुत सारे जैसे यूरोपीय देशों में विजय प्राप्त कर लेता है, पुराने राजवंशों को हटा कर नए साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। तो जो नेपोलियन थे उनको यूरोप में आधुनिकीकरण का जो एक आधुनिकीकरण का प्रतीक अग्रदूत माना जाने लग गया था। उनकी निजी संपत्ति की उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए और दशमलव पद्धति है ना, जो कहा कि जो दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल का एक समान प्रणाली जो चलाई सबके लिए जो बराबर थी। शुरू में बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन मुक्तिदाता, शुरू में तो मतलब नेपोलियन कईयों को मुक्तिदाता लगता था। उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, परंतु जल्द ही उनकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे थे। आखिरकार 1815 में वाटरलू के युद्ध में जो नेपोलियन है उनकी हार हो जाती है और इस प्रकार जो नेपोलियन है उनका शासन भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ही जो हमारा ये फर्स्ट लेसन है ये ख़त्म होता है, जो कि था फ्रांस में जो क्रांति के बारे में जो पूरा लेसन था। तो यहाँ पर हम अपने फर्स्ट लेसन से अलविदा करेंगे। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।